हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम स्वादिष्ट भरवा भिंडी सरसों मसाला के साथ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी। फ्रेश भिंडी लें, भिंडी को धोकर सुखा लें। भिंडी के ऊपर और नीचे के हिस्से को काट लेंगे। बीच में कट लगा लेंगे। इसी तरह से सारे भिंडी को काट लेंगे। मैंने सारे भिंडी को काट लिया है। आइए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक प्याज, एक टमाटर और 4 हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से 1 टेबलस्पून सरसों, 1 टीस्पून सौंफ, 8 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 1/4 कप पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। 1/3 टीस्पून जीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि तेल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल अलग होने लगा है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। सरसों, लहसुन, अदरक और सौंफ का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर मसाला ड्राई लगे तो 4-5 टेबलस्पून पानी डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। मसाले से तेल अलग हो गया है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालकर 1-2 मिनट भूनेंगे। गैस बंद कर देंगे। हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। मसाला तैयार हो गया है। आइए अब भिंडी में मसाले को भर लेते हैं। मसाला भरने के बाद भिंडी को हल्का सा दबा लेंगे ताकि मसाला भिंडी में अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसी तरह से सारे भिंडी को भर लेंगे। सारे भिंडी को मैंने अच्छी तरह से भर लिया है। थोड़ा सा मसाला बचा कर रखा है। एक पैन में 5 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं।
तेल को हल्का गर्म होने देंगे। भरा हुआ भिंडी डालेंगे। दो टेबलस्पून पानी डालेंगे। पानी डालने से भिंडी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी और भिंडी का कलर भी हरा ही रहेगा। ढक कर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। भिंडी को पलट लेंगे। ढक कर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सेम प्रोसेस हम एक बार और करेंगे। भिंडी अच्छे से पक चुकी है। भिंडी का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। भिंडी का कलर बिल्कुल हरा है। हमने जो मसाला बचा कर रखा था वो डालेंगे। हल्के हाथ से मसाले को मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करके गैस बंद कर देंगे। हमारा स्वादिष्ट भरवा भिंडी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अच्छी रेसिपी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म सर्व करें।